कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? क्या आपने कोई यहाँ पे कुछ घोषणा की अपने सांसद कोटे से? देखिए ऐसा है, जिस हिसाब से चेयरमैन साहब ने रखा था, कार्यक्रम प्रधान ने रखा था, और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जोश है, मेरा काम तो आज चलने का है, जहाँ ये ले जाएंगे वहीं पहुंच जाता हूँ, और मेरे को कार्यक्रम नहीं है। जन्मदिन मेरा क्या, इन सबका है, और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बड़ा खुश है इस बात के लिए, चाहता है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें, उसी के नाते आज एक कार्यक्रम थे। सर जन्मदिन को हटके भी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आम किसान परेशान हो रहा है, बुरी तरीके से यहाँ धक्के खा रहा है, और डीएपी के साथ उनको एक जबरदस्ती एक लिक्विड की बोतल दी जा रही है, जो भी अनऑथराइज है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन इस मामले को लेकर कई किसान विचलित भी हैं। कल किसान हमसे भी मिले थे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मनसुख मंडावी से बात करके आया था, और उनसे खुद मैं मिलकर आया था, और उन्होंने दो डीएपी के दो रैक अलग से मेरे को दिए हैं, और वो आए भी हैं। लेकिन सबसे ताजुब बात यह है कि यहाँ पर जो जयपुर में अधिकारी बैठे हैं, मैं वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सेक्रेटरी से दोनों से बात कर रहा हूँ बराबर, और यहाँ दोनों कलेक्टरों से मैंने वहाँ बात कर दी। मिस्टर चोपड़ा है वहाँ पर, जतिन चोपड़ा जी, जो इसके फर्टिलाइजर के वो हैं सेक्रेटरी, उनसे भी मेरी बात हुई, मैं उनके पास भी गया था, और मैंने अलग से कह के कि दोनों जिलों के लिए अलग से रैक लगवाए हैं डीएपी के। अब ताजुब इस बात का, जब जयपुर से दवा जब इनके पास फोन आ जाता है तो अधिकारी उसमें से इधर उधर दाएं बाएं हो रहे हैं। मैंने कल भी उनसे बात की, रामगोपाल शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जयपुर में, मैंने उनसे कहा जो मैं मंत्री से बात करके आया हूं और जो खाद दिया है, डीएपी का खाद ही मेरे यहां आना चाहिए।